इंसान अपने घर जाता मर्द जद शाम वेले घर जाता सारे जमाने का थके सारे जमाने के थपेड़े खाओ के जो मर्द घर जाता है अपने दरवाजे चु इंटर आता है अपने दरवाजे चु दाखिल आता है इस वहां से घर जाता मैं घर सुकून वास्ते जा रहा मैं घर सुकून वास्ते जा रहा हूं कि मर्द नो घर में सुकून ना मिले फिर बाहर सुकून ढूंढता है मैं औरतों के नाम भी पैगाम देना चाहना मर्द घर में सुकून वास्ते आता है जेड़ियां औरतां शिकायत कर दियां ने मेरा मर्द घर नहीं आता सारी सारी रात बार गुजार के आ जाता है वे कितने तेरा कसूर ते नहीं औरत नूं ते मर्द सुकून ही बनाया गया कि घर में सुकून ना मिलेगा फिर मर्द बाहर जाएगा औरत की जिम्मेदारी है मर्द नूं सुकून घर के अंदर मुहैया करे ताकि मर्द बाहर ना जाए औरत मर्द सुकून वास्ते पैदा की गई नौजवान मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह ने भी कुरान च फरमाया हुन्ना लिबास लकुम व अंतुम लिबास लहुन अल्लाह फरमाता है तुहाडा लिबास ने तुसी अपनियां बीवियां दा लिबास लिबास इंसान दे जिस्म दे ऐब छुपा देंदा है पता लग्या मर्द औरत दे ऐब छुपांदा है नेक बीवियां शौहर दे ऐब छुपांदियां अज तुस अपने मुआशरे च निगाह दौड़ा के वेखो ते अपने अपने गिरेबान च भी एक मरतबा झाती पा के वेखो इस घर को आग लग गई घर के चिराग से अज घर क्यों उजड़ रहे कि घर में औरत की कदर नहीं की जा रही अपनी बेटी वास्ते मियार हो रहे ते किसे दी बेटी वास्ते मियार हो रहे जिहड़ी घर च बहू आ जाए ओहदे वास्ते मियार हो रहे ते अपनी बेटी जिहड़े घर विच गई ओहदे वास्ते साडा मियार हो रहे पर सैयद आलम ने बेटी मां बहन बीवी किसे रूप च नहीं फरमाया औरत गिरामी कदर हजरात बीवी औरत दा बेहतरीन रूप है अल्लाह रब्बुल इज्जत दी हमद व सना तो बाद दुरूद व सलाम बारगाहे सैयदुल अंबिया महबूब किबरिया शाफी रूज़े जज़ा नबी अकरम शफी मुअज़्ज़म ताजदार बतहा सरवर कायनात फख्र मौजूदात बाइस तखलीक कायनात सदर बज़्म कायनात मस्दर कायनात वजह कायनात जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम के बाद अज़ीज़ुल क़द्र हाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा बेशुमार शुक्र और उस मालिक कायनात दा बेशुमार एहसान कि रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दीन मतीन दी खिदमत वास्ते और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दीन पाक दी तबलीग दे वास्ते यूरोप के चंद दिन के दौरे तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का दर्स दे के वापस आ गया और एक मरतबा फिर अल्लाह करीम ने तुहाडियां इन्हां चमकदार पेशानियां की ज़ियारत मैनू अता की नबी करीम अलैहिस्सलाम दा सदका अल्लाह साडी सारे की हाजरी कबूल और मुस्तजाब फरमाए जितनिया मुहब्बत का इजहार किया अल्लाह करीम अपनी बारगाह अकदस जो उहदा बेहतरीन अजर अता फरमाए ग्रामी कदर हजरात मैं हमेशा कहना कि उक सियाने लोग कहते हैं कि चंगिया दे लड़ लगे मेरी चोली फुल पे सारिया इज्जत हुजूर अलैहि सलातो सलाम के नाम की वजह तो ने हुजूर अलैहि सलातो सलाम के जिक्र पाक की वजह तो ने वरना मैनु को पूछ तेरी औकात की है तो बस इतनी है कि खस खस जिन्ना कदर ना मेरा ते मेरे साहेब नू वड़ियां मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा ते महल चढ़ाया साइया बस गल इतनी है कि साहेब नू बड़े आईयां कुरान मजीद फुरकान हमीद की बड़ी मरूफ है जो मुबारक का जुज तिलावत करने का शर्फ हासिल किया इस आयत मुबारक का रब तआला ने इरशाद फरमाया वस्बिर नफ्सक फरमाया महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी जान मुबारक नो अपने नफ्स नो अपने आप नो सब्र दे नाल अल्लाह फरमाता बस बिन नफ्स अपने नफ्स नो अपनी जान नो सब्र दे नाल रखो मअल्लदीना फरमाया उना दे नाल यदउन रब्बहुम बिलगदाति वलअशी फरमाया जेड़े दिने भी अल्लाह नु पुकार दे ने ते रात भी अपने रब नु पुकार दे ने
फरमाया उन्हां दा कोई इरादा नहीं, वो सिर्फ अपने रब दी रजा चाहते। ग्रामी कदर हजरात इस आयत मुबारक दा मफहूम है वे कि अल्लाह ने फरमाया महबूब आज जिहड़े तुहाडे दरवाजे ते बिलाल हबशी हजरत अबू हुरैरा हजरत सुहेब रूमी हजरत सलमान फारसी वर्गे गरीब सहाबा हर वक्त बैठे रहंदे ना, अल्लाह फरमांदा सोनिया अपने वक्त चो वक्त निकाल के ना बस फिर नफसक फरमाया के अपनी जान सबर च डाल के ते सोनिया जरा इना कुल भी बैठा करो वस्बिर नफ्सक मा अल्लज़ीन यदउन रब्बहुम बिलगदाति वल अशी। अल्लाह ने फरमाया जरा इन्हों को ला के बैठा करो जिहड़े दिन ते रात रब दा जिक्र करदे रहंदे ने। युरीदुन वजहा फरमाया उन्हां दा कोई इरादा नहीं, उह सिर्फ रब दी रजा चाहते ने। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जदों कुफारे मक्का नूं इलाने नबूवत सुनाया ते तौहीद वल बुलाया तो ना आखिया कि असी चौधरियां ते असी इन्हां गरीबां च आके नहीं बैठना, ए मुहम्मद अपने बूए तो बिलाल नूं उठाओ ना, अबू हुरारा नूं उठाओ ना, ए फलां नूं उठाओ ना, ए गरीबां नूं उठाओ ना, इन्हां गुलामां नूं उठाओ ते असी चौधरी आके बैठीए फिर असी तुहाडी गल सुनांगे। जे असी इस्लाम कबूल कर लिया ते साडे वेखो वेखी फिर बड़े लोग कलमा पढ़नगे, मगर पहले ना गरीबां नूं ते उठाओ ना जरा अपने दरवाजे तो। अल्लाह फरमाया महबूबा ना ना वो आवन या ना आमन बिलाल नहीं उठना चाहिए। अल्लाह फरमा सोने आए ना गरीबन ना उठावी मकमाहिया। अल्लाह फरमा बस बिर नफ्स कम अल्लदीन यदउन रब्बहुम बिलगदाति वल अशी। अल्लाह ने फरमा सोने आ इन्हें उठाना नहीं बल्कि आप इन्हें चाह के बैठो, इन्हें चाह के बैठो कमली वाले आ ना भी दिल करदा होवे वक्त ना भी होवे। अल्लाह फरमा बस फिर नफ्स का अपनी जान सबर च डाल के ना फिर भी थोड़ा वक्त इन्हों दिया करो, इन्हों में चाह के बैठिया करो। नौजवानों कैसा मंजर होवेगा जब मेरे आका दी महफिल सजदी होवेगी, सहाबा बैठे होवनगे। मेरे नबी ने फरमाया असहाबी कन्नजूम, हजूर ने फरमाया मेरे सहाबा सितारियां दी तरह ने। अच्छा जे सहाबा सितारियां दी तरह ने ते विच कमली वाले ते चन्न बन के बैठदे होवनगे ना, वो कैसी महफल होवेगी जो हजूर चांद की तरह सहाबा सितारियां की तरह मेरे आका सलाम की हसीन महफल सजदी होवेगी। वो महफल जिदा रब कुरान चो जिक्र फरमावे ते अल्लाह फरमादा सोने बस बिर नफ्सा कमा अल्लदीन यदउन रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदुन वजहा। अल्लाह फरमाए सोने इस महफल च बैठो ना, आ जड़ी गरीबा दी आ जड़ी मिसकीना दी आ जड़े तुहाडे गुलाम गरीबा दी महफल है जरा आके बैठो ना। हुन उच्चा सुभान अल्लाह फरमाओ, मैं तकरीर दा आगाज कर रहा भाई, इंज नहीं इंज नहीं, मैं यूरोप चो के आया तो मैं उत्थे भी सुभान अल्लाह अलहम्दुलिल्लाह बड़ी करवा के आया, पर जड़ी सुभान अल्लाह पाकिस्तानियां दी है ना भाई अपना भी इतना दता भी हाथ चुके नहीं उच्ची सुभान अल्लाह फरमाओ मदीने तक आवाज जावे, थोड़ा होर जोर लगाओ। मैं को तकरीबन 20 दिन बाद आया, 20 दिन बाद इन सुभान अल्लाह तुसा को जोड़ के रखी होगी ना, सारी मैं दे दियो मैं नाल लै जावा। मैं चकवाल जाना है, आया मैं टोबा टेक संगुर गुजरे तो दो तकरीर करके आ रहा, हूँ मैं चकवाल जाना है तो मेरी इन्नी सुभान अल्लाह दियो पिछली मेरी थकावट उतर जावे तो रात तक मेरा गुजारा हो जावे। नौजवान ऐदा ना खेंजे पेश करना जा तर्जमा जे करना, कितने रंगीन तेरी महफिल के नजारे होंगे, कितने रंगीन तेरी महफिल के नजारे होंगे, कितने रंगीन तेरी महफिल के नजारे होंगे, जब तेरे गिर्द तेरे यार प्यारे होंगे, जब तेरे गिर्द तेरे यार प्यारे होंगे। तो कैसी महफल होगी, हजूर चांद बन के बैठे
हालांकि चांद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है भाई, चांद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है। चांद के चेहरे पे दाग है, मदनी का चेहरा साफ है। हालांकि चांद ने तशबीह नहीं मगर सहाबा चुके तशबीह हाथ देंदे सना, कोई कहंदा सी कि अन्न शम्स तजरी फी वजह ही, हजूर दा चेहरा इनसी जिवें सूरज मोहम्मद दे मथे च चमकदा सी। कोई कहंदा तलवार दी धार दी तरह, कोई किसे चीज ना तशबीह देंदा। तो गिरामी कदर हजरात, सहाबी कन नजूम, सहाबा सितारे, नबी पाक विच चांद बन के बैठे देने। अज मेरा दिल करदा मैं एक हजूर दी महफल दा जिक्र करा, महफल जड़ी हजूर सहाबा ना सजांदे सन। कौन है अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के बार दी आके ना ते महफल च कद कद बैठना। ओ सहाबा जड़े हर वेले नबी पाक दे दरवाजे ते बैठे रहंदे, अल्लाह ने भी फरमाया महबूब जरा आके ना कोल बैठया करो ना, इना दी दिल जुई हो जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे पाक च निकले ते आके सहाबा दी महफल च बैठ गए। हुन नबी करीम अलैहि सलातो सलाम दी तबलीग दा, हुजूर दी तालीम दे बंदा अंदाज अपना से ना, याद रखिए दुनिया दे अंदर तालीम दे तीन अंदाज मारूफ मशहूर ने। पहला तरीका ए वे के उस्ताद पढ़ दे ते शागिर्द सुन दे। तुसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी मदारस च वेख दे, उस्ताद सबक पढ़ दे शागिर्द सुन के सीख दे ने, ए एक तरीका। दूसरा तरीका उस्ताद दा समझावण दा ए होंदा है कि शागिर्द पढ़ दे उस्ताद सुन दे, उस्ताद फिर बच्चे दी गलतियां निकालदा, बच्चे नूं ए भी सिखावण दा इक अंदाज है। तीसरा मारूफ तरीका जेड़ा तालीम दा दुनिया दे अंदर, तीन ही मारूफ तरीके ने, या उस्ताद पढ़ दे शागिर्द सुन दे, या शागिर्द पढ़ दे उस्ताद सुन दे, और तीसरा तरीका ए वे कि बच्चे आपस में तकरार कर दे, डिबेट कर दे, इहदे नाल भी इंसान की तालीम का आगाज किया जाता है। यानी कि तकरार करना मदारस में आज भी रात को बच्चे जो मुताला करते हैं तो रात को तकरार की जाती है। ये तीन ही तरीके ने इस कायनात के अंदर तालीम हासिल करने। कौन है अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा हुन तालीम किवें दे दें? आओ मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्लास कवां, वो महफल कवां। रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सहाबा चाह के बैठे ना, तो नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया सहाबा मैनू तुहाड़ी दुनिया विचों तीन चीजा पसंद ने। फरमाया मैनू अपनी दुनिया चो, फरमाया मैनू तुहाड़ी दुनिया चो। नबी करीम ने दसिया कि मेरे ये दुनिया ना रिश्ता ही कोई नहीं, मेरा इस दुनिया नाल रिश्ता ही कोई नहीं। गिरामी कदर हजरात, कौन है ते वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ना रिश्ता रखिया कोई नहीं? आपने इस बात ने फरमा मैंने तुहाड़ी दुनिया विच तीन चीजा पसंद ने, पहली केड़ी? कौन है ते वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैंने इस रब की दुनिया विच तुहाड़ी दुनिया विच खुशबू पसंद है? केड़ी? अज मेरी तकरीर दा उनवान है, ये तकरीर पता नहीं हुण कितने जुमे चलनी है। मैं महफल का जिक्र सुनावा लगा नबी पाक दीदा, ओ महफल जिदे च हुजूर खिताब कर रहे सहाबा सुन रहे हैं, अंदाज़े तालीम देखो। कौलैद वाली ने फरमाया सहाबा मैनूं तुहाड़ी दुनिया दे अंदर तीन चीजा पसंद ने। कौलैद वाली ने फरमाया पहली खुशबू बड़ी पसंद है, नौजवान मेरे नबी करीम अलैहि सलाम नु खुशबू आप ही बड़ी पसंद है। नबी करीम अलैहि सलाम दे जिस्मे अकदर दी खुशबू ऐसी है कि सहाबा फरमांदे ने कमली वाले जदों मदीने दी गली च गुजरदे ने सानू नबी पाक नु ढूंढण दी लोड़ ही नहीं पैंदी, जेड़ी गली च कमली वाले गुजर जांदे ने उस गली च अठ दिन खुशबूआं ही मुहम्मदियां आउंदियां, खुशबुआ नबी पाक दिया। खुशबू मेरे नबी नो इतनी पसंद है, हजूर आप भी खुशबू लगाते ने, इत्र लगाते ने, बड़ी प्रीत दे नाल खुशबू लगाते ने। आज तक अहले इस्लाम खुशबू लगा रहे। मैं इस आवाज ने भी ये अर्ज करन लगा जब जुमा पढ़ना हो तो लिबास सोना पहन के सादा होवे मगर होवे साफ सुथरा,
खुशबू लगा के आया करो। नबी पाक दी सुन्नत समझ के गुसल करके सुन्नत समझ के लिबास खूबसूरत साफ सुथरा पहन के खुशबू लगा के नबी पाक दी सुन्नत समझ के आया करो। नबी पाक ने फरमाया तो हाड़ी दुनिया बेच मैनू तीन चीजा पसंद ने ते जड़ी पहली पसंद है ओ की है हौला बोलो सुभान अल्लाह यार दा यार होंदा यार दा यार भी यार होंदा है ते सच्ची दस जिहड़ी नबी पाक नूं पसंद है जे तैनूं हजूर नाल प्यार है फिर तैनूं भी पसंद होनी चाहीदी है। खुशबू पसंद उम्मत नूं दस्या कि खुशबू लगानी है ऐ जुम्मा पढ़न आओ ना तो खुशबू लगा के आया करो। मोमिन दी निशानी है वह बदबूदार नहीं होंदा पाक होंदा है मोमिन पाक होंदा है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन अल्लाह फरमांदा अल्लाह आप भी पाक है ओ पाक चीजा नु पसंद फरमांदा है पाक चीजा ते पाक लोगों पसंद कर दे। मोमिन को बदबू पसीने दी नहीं आनी चाहिए मोमिन साफ सुथरा होवे खुशबू आवे किरदार च भी खुशबू आवे तो लिबास विच भी खुशबू आवे मोमिन दे करीब कोई बैठ जावे तो उदे किरदार च भी खुशबू आवे उदी हंसी उदी मुस्कुराहट च खुशबू आवे उदे किरदार ते उदे अखलाक दी भी खुशबू आवे ओ जाहिर दा भी पाक होवे ते बातिन दा भी पाक होवे। मियां मोहम्मद बख्श ने दा तर्जमा फरमाया सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह थोड़ा होर जोर लगा के बोलो सुभान अल्लाह आरबे कड़ी रहमतुल्लाह ने फरमा देना है चंगे बंदे दी चंगे बंदे दी सोहबत यारो जिवें दुकान अतारा सौदा पावे खरीद न करिए ते हुले आन हजारा ए सौदा पावे खरीद न करिए हुले आन नहीं समझ आई ते मैं आसान कर दे बाबे दोवें वजीरा बातों ते ने हर माफल सुन दे ने 20 दिन बाद आया ते वेख लो पहली तकरीर करन आया ते पहली ची आ गए ने माशाल्लाह अल्लाह ताला इन्हां दी बुजुर्गियां सलामत रखे होर बरकत अता फरमाए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दीवाने हो मियां साहब फरमांदे ने चंगे बंदे दी सोबत यारो जिवें दुकान अत्तारा आप फरमाते ने चंगे बंदे दे करीब बैठना इंज समझ जिमें इतर दी दुकान ते बैठ गए आप फरमाते ने सौदा पावे खरीद न करिए हुले आउन हजारा फरमाते ने चंगे बंदे कोल बैठना भी एक मिसाल जिमें तू इतर दी दुकान ते बैठ जावे ते इतर भावे ना भी खरीदे ते खुशबू ते आनी आनी तो इंसान मोमिन जड़ा होवे उहदे किरदार दी भी खुशबू आनी चाहीदी है उहदे जाहिर भी खुशबूदार होना चाहीदा है ते मोमिन दा बातिन भी खुशबूदार होना चाहीदा है ते आप फरमांदे ने बुरे बंदे दी सोहबत यारो जिवें दुकान लोहारा कपड़े पावे कुंज कुंज बहिए चिनगा पहन हजारा ते बुरे बंदे दी सोबत उदे करीब बैठना इंज ही समझो कि अपने कपड़े जितने भी खुंज खुंज के बैठो आप फरमाते ने फिर भी कोई ना कोई चंगयाड़ी तो जिस्म ते पै ही जाती है कपड़े फिर भी साड़ी जाते ने तो लिहाजा मोमिन खुशबूदार होना चाहिए है। नबी पाक ने फरमा तो हाड़ी दुनिया विच मैनू जिहड़ी सब तो ज्यादा चीज पसंद है वह खुशबू है वह खुशबू है नौजवान नबी करीम को खुशबू आउंदियां ने नबी करीम अलैहि सलाम दोपहर वेले हजरत उम्मे सुलैम दे घर जांदे ने हजरत अनस बिन मालिक दे घर जांदे ने
जाके नबी करीम के चमड़े दे बिस्तर ते लेट जांदे ने हुजूर दे जिस्म मुबारक जो पसीना नहीं करदा उस चमड़े दे बिस्तर विच आंदे ने नबी करीम अलैहि सलाम दा पसीना मुबारक हजरत उम्मे सुलैम एक शीशी दे अंदर इकट्ठा कर लैंदियां ने एक दिन सरकार ने वेख के फरमाया उम्मे सुलैम ए की कर रही हो अर्ज कर दी या रसूल अल्लाह तुहाडा पसीना मुबारक इकट्ठा भी करनी हो मेरे करीम ने फरमाया पसीने नु की करोगे अर्ज कर दिया कमली वालिया तुहाडा पसीना मैं इत्र विच मिला लैनी हो पूरे मदीने विच महका मेरे घर विच जांदियां मेरे घर चु जादियां ने अर्ज की सोनिया इत्र ते अगे ही खुशबूदार होंदा है पर जदों मैं तुहाडा पसीना विच बडालनी आ ना होर खुशबूदार हो जाता है सारे मदीने चो जड़ी सब तो चंगी खुशबू है ना वो मेरे घर विच मिलदी है वो मां इंज दी होवे ते पुत्तर किंज दा हजरत अनस बिन मालिक उसे मां दे बेटे सन आपने आखरी वेले वसीयत की थी फरमाया जदों मैं दुनिया तो टुर जावां ते मेरे कफन खुशबू ओ लगाया जे जिदे विच मेरे नबी दा पसीना मुबारक है वाह मदीने दे ताजदारा गिरामी कदर हजरात सरकार दा जिस्म मुबारक कितना खुशबूदार है मेरे आका ने फरमा मैनू खुशबू पसंद है और मैं दा तर्जमा जे करया करना ऐसी खुशबू नहीं है किसी फूल में ऐसी खुशबू नहीं है किसी फूल में जैसी मेरे नबी के पसीने में है उन जिदा जिदा ईमान हाथ चुके मेरे नाल सबा दा दावा करो सारे मिलके मेरे नाल पढ़िए ऐसी खुशबू नहीं है किसी ए किसी फूल में जैसी मेरे नबी के पसीने में है जैसी मेरे नबी के पसीने में है प्रीत दी गल सुनावा तुसी बोले नहीं मैं क्यों सुना देवा अजे ते मैं शुरू पिया होना अजे मैं तुहानू नबी पाक दी एक पसंद शुरू कीती अजे हजूर दी मैं तीन सुनानियां फिर एदे बाद मैं तुहानू सुनाना हजरत अबू बकर भी उठ के खलोगे ना कहे जी मैनू भी तेरा ही पसंद ने फिर ओदे ते गल करांगे उहनां दी वेखो वे कि हजरत उमर फारूक उठ के खलोगे उहनां आखे जी मैनू भी फिर हजरत उस्मान ने गनी फिर मौला अली फिर हजरत बिलाल अचानक जिबरील आए उन्हें आख्या मैनू भी तीन पसंद ने आखिर से जाके फिर तुहानू किसे जुमे सुनावांगा कि रब ने पैगाम भेजा जी मैनू भी ये सारिया पसंद अज मैं तुहानू सुना अज नहीं इंशाला ये मैं सिलसिला शुरू करन लगा एक रवायत है मगर इंशाला ये उत्ते मुफसल गुफ्तगु करांगे तैयार हो ना अज एक ते गुफ्तगु हो रही हजूर ने फरमा मैनू खुशबू बड़ी पसंद है हजूर देख साहबी सन हजरत उतबा रजी अल्लाह तआला नु उन्हां दी चार बीवियां सन किनियां एक नहीं मान हुंदी उन्हां दी चार सन कवारियां नु ते नहीं पता ते जेड़े शादीशुदा उते समझ गए होवोगे हैं उन्हां दी चार सन हजरत उतबा रजी अल्लाह तआला अनहु दी बीवी जिन्ना दा नाम है हजरत उम्मे आसिम रजी अल्लाह तआला अनहा चारों बीवियां अपने जिस्म नूं अपने लिबास नूं खुशबू लगांदियां सन
मैं रिवायत च पढ़िया कि मदीने च इक माई वडेरी खुशबू बेचना दिए ते हजरत उत्बा दीआं बीवियां अलहदा अलहदा एक दूसरे तो छुप के ना उस माई नूं पैसे ज्यादा दे दिया ने कि मेरे वास्ते खुशबू सारे तो चंगी लग गया। चारों बीवियां पैसे खर्च करके ते बड़े महंगे इत्र मंगवा दिया ते लगा दिया ने अपने अपने जिस्म नूं, मगर जो ही हजरत उत्बा घर आंदे ना चारों बीवियां कह दिया ने के साड़ी खुशबू खत्म हो जाती है ते हर पासे हजरत उत्बा दी खुशबू फैल जाती है। एक बीवी ने दूसरे नु आख्या नहीं मैं ते उस माई नु बड़े पैसे दिते बड़ी बड़ी महंगी इत्र ते खुशबू लगाई पर मेरी खुशबू जो हजरत उत्बा आंदे ते खत्म हो जाती। वो दूसरी बोल के कह लगी मैं भी बड़े पैसे कह। तीसरी आ गई उन्हें आख्या मां भी ते चौथी आ गई मैं भी। चारों बीवियां ने आज मशवरा किया कि हजरत उत्बा जब घर आवे तो उन्होंने पूछेंगे तुसी केड़ा इत्र लगांदे हो, तुसी जब घर आंदे हो तो साड़ी सारे दी खुशबू ही खत्म हो जाती है, आ कि खुशबू सानू दसो असी ओ खुशबू मंगवा के लगाइए। चारों बीवियां बैठ गई हजरत उत्बा रजी अल्लाह तआला अन्हु आए ना ते सारियां बीवियां चौहान ने अर्ज की हजूर असी बड़े बड़े महंगे इत्र इस्तेमाल किए मगर जो तुसी आंदे हो तो तुसी पता नहीं केड़ा इत्र लगा के आंदे हो साड़ी खुशबू ही खत्म हो जाती है, हर पासे तुहाड़ी खुशबू फैल जाती है। हालांकि असी देखनी है कि तुसी अपनी दाढ़ी मुबारक नु सिर्फ तेल लगांदे हो खुशबू लगांदे तक कदे वेख्या भी नहीं, फिर ये खुशबू कित्थों आ रही इत्र केड़ा है। हुण सुनिए हजरत उत्बा ने अपनी बीवियां ने आख्या मैं इत्र कदे लगाया नहीं खुशबू कदे लगाई नहीं। अर्द कर दिया ने सरकार खुशबू कित्थों आती है, आपने फरमाया मैं बचपन के अंदर बीमार हो गया मेरे जिस्म ते दाने निकले फिंसियां फोड़े छाले निकले आए मेरे आपा जाओ मैं उंगली न लगाओ के नबी करीम दीवार के चले गए। अर्द की कमली वाली मेरे पुत्र दे जिस्म ते दाने निकले फिंसियां बन गई नबी करीम ने फरमाया अपने कपड़े उतार के मेरे सामने बैठे जाओ। फरमाते ने मैं अपना सुतर डाप के कपड़े उतार के नबी करीम दे सामने बैठ गया। सरकार ने कुछ पढ़ के अपने हाथों के उत्ते फूक लगाई मेरे आका ने अपनी थैलियां अपने हाथ मेरे जिस्म से फेरे फरमाते ने छालियां दा ते उदों ही आराम आ गया। यार दे हाथों दी खुशबूआं अज भी नहीं जांदियां इतना खुशबूदार मेरे नबी दा वजूद के सहाबा फरमांदे ने अगर हजूर चलदे आ चलदे आ किसी बच्चे दे सर ते प्यार दे देंदे सन ना ते अठ दिन ओ बच्चा दूसरे बच्चे चो मुनफरिद नजर आंदा सी क्योंकि उदियां जुल्फां चो मुहम्मद दी खुशबू आंदी रहती सी। इतनी खुशबूदार मेरे नबी दा जिस्मे पाक ते हुजूर नु खुशबू पसंद है बावजूद के मेरे नबी दा जिस्म इतना खुशबूदार है फिर भी हुजूर खुशबू लगांदे ने यानी इतनी हुजूर नु खुशबू नाल मुहब्बत है अपना वजूद इतना खुशबूदार होने के बावजूद नबी पाक फिर भी खुशबू लगांदे ने उम्मत दी तालीम वास्ते ताकि मेरी उम्मत भी खुशबू इस्तेमाल करे। तो लिहाजा खुशबू इस्तेमाल करो हुजूर दी सुन्नत समझ के ये मेरे नबी पाक नु पसंद है नबी पाक नु पसंद है। अब वेखो ना खुशबू लेके आ गए हर जुमे आते ने ते तुहानू मुअत्तर करके जांदे ने तुसी भी इन्हां नाल प्यार करिया करो। गिरामी कदर हजरात रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खुशबू मैं बड़ी मरूफ रवायत हमेशा सुनाना अगर ना सुनावा इस मौजू ते तो मेरा ख्याल है मेरा गुजारा नहीं होना। ओ बाबा आया ना मेरे नबी कोल ते कह लगा सुबह बेटी दी शादी है को तोहफा दियो। नबी पाक ने फरमाया बाबा ओ खजूर दी टहनी ते एक शीशी लेके आ। बाबा खजूर दी टहनी ते शीशी लेके आया नबी पाक ने उस टहनी ना बाजू मुबारक तो पसीने दा कतरा उतारिया ते शीशी च भर के फरमाया जा बाबा जद बेटी दुल्हन बन जाए ते अज उन्हूं इत्र ना लगावी मुहम्मद दा पसीना लगा देवी। हदीसे पाक के चाहुंदा जब बाबा गया ना घर ते उन्हें बेटी नु इत्र नहीं लगाया मुहम्मद दा पसीना लगाया उदा दामाद दूल्हा बन के आया उन्हें नबी पाक दा पसीना मुबारक लगा देता। हदीसे पाक के चाहुंदा कि उन्हें घर चो इतनी खुशबू आंदी सी कि लोग उन्हें घर वाले इशारा करके कहते सन बैतुल मुतय्यबीन ए खुशबूआं वाले दा घर है ए खुशबूआं वाले दा घर है।
पर इत्थे गल नहीं मुकी। उलमा फरमांदे ने उस दुल्हन ते दुल्हे चो नबी दी खुशबू नहीं आंदी, अगू जिहड़ी औलाद जमदी रही उहदे विचों वी मुहम्मद दी खुशबू। तरन्नम च पढ़ो। अच्छा जी, तरन्नम च पढ़ने जी। ए तो अगली गल सुनावा, नहीं बोले सुभान अल्लाह, थोड़ा हौला बोलो, तुहानू किधरे नजर ही ना लग जाए। हसन चीमा मैनू कह रहा, तरन्नम च करो, तर्ज लगाओ ते तुसी सुभान अल्लाह घर जाके बोले जाए। हाथ चुक के बोलो, मैनू पता लगे जूंदे जाग दे नबी पाक दे नौकरा च बैठा। अजे मैं आख्या मैं गल शुरू करन लगा। इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे नबी तू 850 साल बाद पैदा हो। आप फरमाते हैं जब मैं बड़ेरा हो गया हूं, नबी पाक तो 900 साल के बाद फरमाते हैं मैं मदीना तैयबा हो गया हूं। मैं मदीने दिया गलियां च बच्चे फिर दे वेखे, मैं पूछा बच्चे कौन ने, लोगों ने आख्या ये उस दुल्हन दी नस्ल च बच्चे ने जिन्हों नबी करीम ने पसीने दा कतरा भेजिया सी। फरमाते ने मैं उन्हां बच्चियां नाल प्यार कीता, मैं वेख के रौन रह गया, उन्हां बच्चियां च अजे भी मुहम्मद दी खुशबू आउंदी। जबान च अर्ज करा ते फिर मैं तुहानू नबी पाक दी अगली पसंद सुनावा। बेमुर्शद चुप रवे क्योंकि बेमुर्शद ने मैं कदे बोलिया नहीं, मुर्शद वाला बोले सुभान अल्लाह। नाल दे दा भी ते अपना भी हाथ चुक के बोलो सुभान अल्लाह। या अल्लाह जेड़ा इस तो उच्चा बोले अगले साल मदीना तैयबा रमजान शरीफ च बहारा वेख के आओ। हुण जेड़ा इस तो उच्चा बोले अपनी अम्मी ते अब्बू नाले साल हज करके आवे। आ मैनूं पैगाम मिलिया गवर्नमेंट दी तरफ तो जेड़ा हज स्कीम 2024 दे मुतल्लक कि दरखास्तां मौसूल करन दी तारीख 27 नवंबर कितनी जी 27 नवंबर ता 12 दिसंबर ठीक है जी 27 नवंबर तो लैके 12 दिसंबर तक MCB बैंक उगो की ब्रांच के अंदर इंशाअल्लाह दरखास्त हज दिया वसूल कीतिया जाएगियां। तो अल्लाह करे, मैं दुआ करना मिंबर रसूल ते बैठ के फिर एक बारी जुमे का दिन नबी पाक का जिक्र खैर हो रहे, या अल्लाह सानू सारे हज बैतुल्लाह की शहादत नसीब फरमा और बार बार मकबूल ते बा अदब हाजरी नसीब फरमा। हुण उच्चा बोलो सारे सुभान अल्लाह। आ जड़ा मैं सारा गुफ्तगु की ना आला हजरत ने तर्जमा क्यों फरमाया, आला हजरत फादले बरेलवी आप इरशाद फरमाते ने सर ताब कदम है तने सुल्तान जमन फू, सर ताब कदम है तने सुल्तान जमन फू, सर ताब कदम है तने सुल्तान जमन फूल। बात न समझिया जे सर ताब कदम है तने सुल्तान जमन फूल, सर ताब कदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल दहन फूल जखन फूल बदन फूल, लब फूल दहन फूल जखन फूल बदन नूर, अल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, अल्लाह जो मिले जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इतर, मांगे न कभी इतर, न फिर चाहे दुल्हन फूल, मांगे न कभी इतर, न मांगे न कभी इतर, न चाहे दुल्हन फूल। जो लिखे मैं आसान करके अर्ज करा, आसान करके अर्ज करा, एदा तर्जमा आदम चिश्ती मरहूम ने किसी होर जुबान च कीता, वो भी उर्दू है। एक बार उर्दू सुन लो ते फिर मैं तुहानू पंजाबी च एदा तर्जमा सुनावा। आला हजरत ने जड़ी उर्दू
इस शेर च लिखी है मुश्किल मगर सियाने वास्ते मुश्किल नहीं, पर आदम चिश्ती ने जरा थोड़ा सलीस करके तर्जमा किया। मैं आस्ता पढ़ना ते तुसी सुभान अल्लाह कहना जिन्हों समझ आवे। आदम चिश्ती ने तर्जमा इंज किया, कहंदे ने गुजरा वो जिधर से हुई वो राह गुजर नूर, गुजरा वो जिधर से हुई वो राह गुजर नूर, उस नूर मुजस्सम की है हर शाम जहर नूर। आदम चिश्ती अगे जाके कहंदे के सू की ज़िया नूर, अमामा की चमक नूर, गैसू की चमक नूर, अमामा की चमक नूर, उस आया रहमत की हर ज़ेरो ज़बर नूर। अच्छा ये हो गया तर्जमा उर्दू का, हुन मैं तुहानू पंजाबी च सुनावा। पंजाबी दा तर्जमा इंज कर लैने आं कि तू मेरा महबूब नी डीठा, जिन्नू वेख के चन शर्मा वे अदी राती चढ़ जावे, जो मुख तू निकाब हटावे, बिजली डरती लिश्क न मारे, मता बेद भी हो जावे, खोले पल जुल्फां दे तेरा ही राह भुल जावे, जे ओ पावे हथ फुलां च, हथ फुलां विच रल जावे, सैर चमन नू सारा गुलशन शीश नवावे, तौबा एडा हुसन महीदा, जिदी जाल न झली जावे, सानू कितरे नजर नया कौन है। ते वाली ने फरमाया तो हाडी दुनिया में जड़ी मुहम्मद नू सब तो ज्यादा चीज पसंद है वो खुशबू। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया तुहाड़ी दुनिया च बड़ी मुहम्मद नू दूसरी चीज पसंद है। अगली दूसरी बयान करिए भाई, इन्हां ते अमल भी करना है। सैयद आलम ने इरशाद फरमाया तुहाड़ी दुनिया च मुहम्मद नू जड़ी दूसरी चीज पसंद है, फरमाया ओ बीवी नेक औरत। केड़ी औरत? पहली खुशबू, दूसरी फरमाया औरत। नबी करीम अलैहि सलातो सलाम ने औरत दा मर्तबा वधावन वास्ते दूसरी चीज ते अपनी पसंद की चीज फरमाया औरत, यानी नेक बीवी। फरमाया मुहम्मद नू बड़ी पसंद है। अज तुसा अपने मुआशरे च निगाह दौड़ा के वेखो ते अपने अपने गिरेबान च भी एक मर्तबा जाती पा के वेखो, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अज घर क्यों उजड़ रहे कि घर में औरत की कदर नहीं की जा रही। अपनी बेटी वास्ते मियार हो रहे
किसी की बेटी वास्ते मियार हो रहे जिहड़ी घर च बहू आ जाए ओहदे वास्ते मियार हो रहे ते अपनी बेटी जिहड़े घर विच गई ओहदे वास्ते साडा मियार हो रहे। पर सैयद आदम ने बेटी मां बहन बीवी किसी रूप च नहीं फरमाया औरत। गिरामी कदर हजरात बीवी औरत दा बेहतरीन रूप है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे घर 11 बीवियां ने पर वाह मदीने दे ताजदार तेरे किरदार दी अजमत तू सदके जावां एक बीवी भी कदे रुसी नहीं। भाई इत्थे एक हुंदी है ते सारी जिंदगी निभास होना नहीं होंदा उत्थे 11 ने ते रुसी कोई भी नहीं सारियां राजी ने। क्या किरदार मेरे नबी दा। आओ मेरी मिल्लत दे नौजवानों जरा इस औरत वाले पहलू ते जिहड़ी नबी पाक दी पसंद जरा थोड़ी गुफ्तगू करिए। सैयद आलम ने फरमाया अन्निकाह मिन सुन्नती फमन रगिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। हजूर ने फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है ते हजूर ने फरमाया जिहड़े मेरी सुन्नत नूं छोड़ दिता ओह साडे विचों है ही नहीं। ओह साडे विचों है ही नहीं। वह मुहम्मद की जमात चो नहीं जरा हजूर की सुन्नत नु छोड़ दे। हदीसे पाक के अंदर उस नौजवान जिन्हें निकाह नहीं किया जरा शादी ना करे उन मिसकीन किया गया ते जड़ी औरत शादी ना करे उन मिसकीना किया गया यानी वह काबले रहम है जड़ा मर्द ते औरत शादी ना करे क्योंकि औरत दा बेहतरीन और मर्द दा बेहतरीन रिश्ता मियां ते बीवी वाला। किवें नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया औरत दे नाल निकाह चार वजह तो कीता जांदा है। कितनिया चार वजह तो। पहला फरमाया औरत दे माल दी वजह तो निकाह कीता जांदा है। माल अमीर औरत वेखो जायदाद लेके आवेगी ज्यादा सारा जहेज लेके आवेगी ना भी कुछ होवे शादी करागा ओदे भाई मैनू यूरोप भेज देवणगे मैनू ओदे भाई मैनू इंग्लैंड भेज देणगे अमरीका चल जावांगा अमीर बीबी नाल शादी करा। हजूर ने फरमाया औरत दे माल दी वजह तो दिना निकाह कीता जांदा है। दूसरी वजह फरमाया औरत दे हसब दी वजह तो ओदे खानदान दी वजह तो बरादरी दी वजह तो बुलंद बरादरी वाली उच्चे खानदान दी औरत उदना निकाह कीते जांदे। फरमाया औरत दे या ते माल या हसब दी वजह तो शादी कीती जांदी है। तीसरा नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया कि औरत दे हुसन दी वजह तो जमाल दी वजह तो उदना निकाह कीता जांदा है। ते चौथा नबी पाक ने फरमाया औरत दे दीन दी वजह तो उदना निकाह कीता जांदा है। ते सैयद आलम ने फरमाया बेहतरीन ओ ही रहंदा है जेड़ा औरत दे दीन दी वजह तो निकाह करदा है। भाई जेड़े मकान दी बुनियाद ही कमजोर हो ना माल हमेशा रहंदा है ना हुसन ते जवानी हमेशा रहंदी है ना इंसान दा हसब ते नसब हमेशा एक तरह दा रहंदा है पर जेड़ी औरत होवे ना दीनदार ओ जेड़े घर विच आ जावेगी उन्हें जन्नत दी बहार बना देवेगी उन्हें जन्नत बना देवेगी जिस घर दे अंदर दीनदार औरत आ जावेगी। कौन है वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैनू नेक औरत दुनिया च बड़ी पसंद है। हुन मेरे नबी दे घर च जिहड़ियां औरतां रहंदियां ने ओह कैसियां ने ते किन्नियां राजी ने। नबी पाक एक दिन अम्मा आशा नूं फरमान लगे आशा जो तू करे मेरे नाल नाराज होवे ते मैनू पता हुंदा ते जदों राजी होवे फिर भी पता हुंदा है। अम्मा आशा करदी या रसूल अल्लाह तुहानूं किवें पता चल जांदा है। हजूर अलैहि सलाम ने फरमाया जदों तू मेरे ते खुश होवे ना गल करे ना ते उदों कहनी है मैनू रब्बे मुहम्मद की कसम है ते जे तेन मेरे ना गुस्सा हो ना ते फिर तू गल करे ते फिर कहनी है मैनू हजरत इब्राहिम दे रब की कसम है। अम्माशा सिद्दीका को जवाब पता की दिता अर्ज कर दिया ने या रसूल अल्लाह जे सच्ची पूछो ना इब्राहिम अलैहि सलाम दा ते एवें नाम ही लैनी आ दिल विच ते उस वेले भी तुसी वसदे होंदे हो 11 बीवियां ने पर वेले दा माहौल की है। अज पता घर च लड़ाइयां खत्म क्यों नहीं हो रही क्योंकि साढ़े वेड़े का माहौल नबी दे वेड़े वाला नहीं। मैं अक्सर रिवाज सुनाना नबी दे वेड़े का माहौल की है। नौजवान पढ़े लिखे बैठे हो मैं तुहाडे नाम अज दी तकरीर करन लगा ए पैगाम मैं तुहाडे नाम करन लगा। अम्मा आशा सिद्दीका ते नबी पाक इकट्ठे बैठे ते अम्मा आशा सिद्दीका नबी पाक नूं पुछदियां ने या रसूल अल्लाह अज़रा दस्सिया जे तुहानूं मेरे नाल किन्ना कु प्यार है। सुभान अल्लाह ते तुसीं सुभान अल्लाह घर जा के बोलो सुभान अल्लाह
ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਬਾਈ ਜੱਗ ਕਰੇ ਨਬੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰੱਬ ਕਰੇ ਨਬੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਉਹ ਨਬੀ ਨੂੰ ਪੀਆਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ औरत की फितरत च शामिल होंदा औरत दा दिल करदा है बीवी दा दिल करदा है औरत की फितरत च शामिल है कि वो चाहती है मेरा शौहर मेरे नाल बार 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 मुहब्बत दा इजहार करे औरत दी कमजोरी वसदियां नबी दे वेड़े ने पर औरत वाली वो कमजोरी विच मौजूद है नबी ना पिया पुछदियां ने या रसूल अल्लाह तेरा दस्या जे तुहानू मेरे नाल कितना कु प्यार है फिर वाह कमली वाले तेरे जवाब देवां तू सदके जावां तबलीग वास्ते मेरे नबी ने ए इस तरह करके ना अपनी कमली दा कोना मुबारक पकड़िया ए इस तरह करके गिरा लगाई ते जोर ना पीच के नबी पाक फरमाते ने आशा मेनू तेरे नाल इना प्यार है उस दिन तो बाद जद भी कदे अम्मा आशा सिद्दीका ते नबी पाक ने कठिया बैठना ना ते अम्मा आशा सिद्दीका ने पूछना या रसूल अल्लाह ओ गंड दा की हाल है हजूर ने फरमाना ओवें पक्की है ओवें पक्की है आओ जे तुसी चाहंदे हो कि बेड़ियां च सुकून आ जाए अपने बेड़ियां च निजाम मुस्तफा दे बेड़े वाला बना लो अज साडा की हाल है अज दा नौजवान सारा दिन अपने यारा दोस्ता विच हसदा खेड़दा होटली करदा तिक्के कबाब खांदा गेमां खेलदा पर जो ही घर दा दरवाजा दाखिल होवे ना ते इंज लगदा बंदा नहीं जिन आ गया है ना हां अपने घर च छाती मार के देखो ना बंदा घर विच मर्द आ जाए ना ते औरतां छुपदियां फिरदियां बच्चे छुपदे फिरदे जिन आ गया घर च बार होटली कर रहे हंस दे खेड़ दे कह के लगा रहे थे घर आवे ना ते बीवी दे सामने चौधरी बन जाएगा रोब वाली शख्सियत मेरे को डर के रवे है ना ओदा भी जवाब मैं देना इंशाल्लाह वजह की ये याद रखियो याद रखियो मुड़ याद रखियो हजरत उमर फारूक फरमांदे ने के घर आओ ते बच्चे बन जाओ बाहर जाओ ते जमाने दे सरदार बन जाओ असा मामला उल्ट कर दिता बाहर बच्चे ते घर चौधरी है ना घर विच चौधरी पर जे तुसा घर दा माहौल ठीक करना है फिर इंज करया करो बाहर जाओ ते जमाने दे सरदार ते चौधरी बन जाओ ते घर आओ ते बच्चे बन जाओ नबी पाक आशा सिद्दीका ना खेड़ दे सन हजूर ने एक दिन फरमाया आशा दौड़िए नहीं बोले सुभान अल्लाह हुन मैं तुहाडी तुहाडी थोड़ी सलाह भी करनी है ना मर्दां दी औरतां वल भी मौन लगा कौन है बाली ने फरमाया आशा मैं ना दौड़ लगानी अम आशा फरमा दी उस वेले मैं दुबली पतली सा ते मैं दौड़ लगा दीती ए अज 2023 ईस्वी जा रहे आखिरी महीने पर रवा दबा मासी इतना मॉडर्न दौर आ गया तो हाड़े च कोई है जेड़ा उठ के आके आसी साहब मैं अपनी बीवी ना दौड़ लगाना कोई है नहीं ना इतना मॉडर्न दौर है पर आज भी कोई अपनी बीवी ना दौड़ नहीं लगांदा फिर वाह कमली वाले तेरे वर्गा मॉडर्न कौन हो सकता है मेरे नबी ने फरमाया आशा मेरे ना दौड़ना ही पर्दे दे अंदर अम्मा आशा फरमा दी मैं दौड़ लगा दी फरमा दी मैं दुबली पतली सा मैं अगे गुजर गई दूर चल गए नबी पाक ने फरमाया आशा दौड़िए अम्मा आशा फरमा दी मैं आओ वेख्या ना तो वेख्या दौड़ लगा दी थी पर नबी पाक अगे गुजर गए हजूर मुड़ के फरमा दे ले आशा हुण मेरे नन मारी बदले पूरे हो गए आई मेरे नबी दे वेड़े दा माहौल आई वेड़े दा माहौल याद रखी औरत क्यों पसंद है बाबा जी ने आख्या के चुके फरमाशा ज्यादा कर दिया इस वास्ते पर आओ मैं तुहानू इस दाबी जवाब दे देवां
नौजवान जड़े वेले अल्लाह ने आदम अलैहि सलाम ने पैदा किया हो आदम अलैहि सलाम ने तखलीक किया सारी जन्नत के अंदर सारे फरिश्ते नूरी ने एक आदम खाकी है अल्लाह दे नबी आदम अलैहि सलाम दा जन्नत के अंदर दिल नहीं लगदा किधर देखदे ने फरिश्ते नजर आ रहे इंसान नजर नहीं आ रहा आदम अलैहि सलाम परेशानी दे आलम दे अंदर सो गए अल्लाह ने आदम दी पसली दे विचो हजरत अम्मा हवा नु पैदा किया अम्मा हवा जड़े वेले आदम दे करीब बैठ गईया आदम दी अग खुल गई हजरत आदम अलैहि सलाम जब हजरत अम्मा हवा वल वेख्या फरमान लगे तू कौन है फरमान लगिया मैं औरत फरमा देना किथों आई है फरमा दिया मैं तुहाडी पसली चू पैदा की गई आदम ने अर्ज की अल्लाह ए हवा नु क्यों पैदा किया अल्लाह ने फरमाया तेरे सुकून वास्ते पैदा किया तेरे सुकून वास्ते पैदा किया पता चलिया औरत नु मर्द दे सुकून वास्ते पैदा किया गया है इंसान अपने घर जाता मर्द जद शाम वेले घर जाता सारे जमाने का थकिया सारे जमाने के थपेड़े खाओ के जो मर्द घर जाता है अपने दरवाजे चु इंटर आता है अपने दरवाजे चु दाखिल आता है इस वाहों से घर जाता मैं घर सुकून वास्ते जा रहा हूं मैं घर सुकून वास्ते जा रहा हूं कि मर्द नो घर में सुकून ना मिले फिर वो बाहर सुकून ढूंढता है मैं औरतों के नाम भी पैगाम देना चाहना मर्द घर में सुकून वास्ते आता है जेड़िया औरतें शिकायत कर दिया ने मेरा मर्द घर नहीं आता सारी सारी रात बार गुजार के आ जाता वे कितने तेरा कसूर ते नहीं औरत नु ते मर्द सुकून ली बनाया गया किन घर विच सुकून ना मिलेगा फिर मर्द बाहर जावेगा औरत दी जिम्मेदारी है मर्द नु सुकून घर दे अंदर मुहैया करे ताकि मर्द बाहर ना जावे औरत मर्द सुकून वास्ते पैदा की गई नौजवान मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह ने भी कुरान च फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन अल्लाह फरमांदा तो हाटा लिबास ने तुसी अपनिया बीविया का लिबास लिबास इंसान दे जिस्म दे ऐब छुपा देंदा है पता लगिया मर्द औरत ऐब छुपांदा है नेक बीविया शौहर दे ऐब छुपांदियां लिबास ऐब छुपांदा है ना अल्लाह फरमांदा हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन अल्लाह ने फरमाया वो तो हाड़ा लिबास ने तुसी उन्हां दा लिबास लिबास इंसान दे वजूद दे ऐब छुपांदा है इस वास्ते नेक शौहर बीवी दे ऐब छुपांदा है ते नेक बीवी शौहर दे ऐब छुपांदी है याद रखियो जेड़ी औरत अपने मर्द दी बद अखलाकी ते जुल्म ते सबर करे अल्लाह कयामत दे दिन उस औरत नु हजरत आसिया वर्गा सवाब अता करेगा ओ जड़ी फिराउन दे घर रह के ते फिराउन दे जुल्म बर्दाश्त कर गई जेड़ी औरत अपने मर्द दी बद अखलाकी ते सबर करे अल्लाह नु आसिया वर्गा सवाब देवेगा ते जेड़ा मर्द अपनी औरत दी बद अखलाकी ते सबर करे अल्लाह नु सबरे अयूब वाला सवाब अता करेगा ओनु सबरे अयूब वाला पर इमाम गजाली ने इत्थे इक बड़ी मोहब्बत दी बात लिखी तवज्जो है मर्द बड़ा नेक होवे ना ते बड़ा तहम्मुल मिजाज दरगुजर करने वाला होवे ते उन अपनी औरत ते गुस्सा आ जाए ना ते ओ अपना गुस्सा पी जावे तो इस बात ते बड़ा फखर करदा है कि मैं अपनी बीवी ते गुस्सा नहीं कीता लिहाजा मैं बहुत अच्छा मर्द हूं पर इमाम गजाली इस तो अगली बात कीती आप फरमाते ने मर्द दा अच्छा होना सिर्फ ए नहीं कि उन्हों अपनी औरत ते गुस्सा आवे कि वो अपनी बीवी ते गुस्सा ना करे ते दर गुजर करके गुस्सा पी जावे आप फरमा दे उस तो अच्छा मर्द ओ होंदा है कि जब बीवी नु गुस्सा आ जाए ना उदो खामोश होके ओदियां भी सारियां सुन असि अपना गुस्सा ते पी जाने आ पर औरत मर्द ते गुस्सा करे मर्द ये नहीं बर्दाश्त करता ये तलाकां क्यों हो रही कि जो ही मर्द गुस्से च आया सबर कीता मगर जब औरत बोली फिर बर्दाश्त नहीं
मर्द अपना गुस्सा ते पी जांदा है, औरत दा गुस्सा बर्दाश्त नहीं करदा। पर इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने जेड़ा औरत दे गुस्से नु बर्दाश्त कर जाए उनु रब बड़े मर्तबे अता कर दे। हजरत शेख अबुल हसन खिरकानी साडे नक्शबंदियां दे बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे ने। मैं आखिरी बात करा फिर इंशाल्लाह अगले जुमे अगली इंशाल्लाह बात इत्थों ही आगाज करांगे। दरवाजा खड़किया, बीवी ने पूछा कौन? दो मुरीद खड़े सन बाहर, उन्हें अर्ज की असी हजूर शेख कामिल हजरत ख्वाजा ख्वाजगा इमाम लौलिया ताजदार विलायत ताजदार नक्शबंदियत हजरत ख्वाजा अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह अलैह दी ज़ियारत करन आया। बीवी अबुल हसन खिरकानी दे घर वसदी है, मगर है बीवी ना। कहन लगी केड़े पीर साहब? उन्हें आख्या जी हजरत ख्वाजा अबुल हसन खिरकानी। ते बीवी अपने शौहर की अदमत नहीं मानती जल्दी, कह लगी जिवें दा पीर होवें ते तुसी मुरीद, ओ भी फराडिया ते तुसी भी फराडिए, दौड़ जाओ कोई इत्थे पीर शीर नहीं। उन्हां नूं ख्याल आया सी ते एड्डी दूर तो पीर साहब दा नाम सुन के आए सा ते घर विच बीवी नहीं मनदी, इह किवें दे पीर ने। ओ बदजन होके टुर पे बार बाजार च लोगों ने पूछा, उन्हें आख्या बीवी इंज दी है, वह वाकई अल्लाह के वली ने बड़े पाए दे वली ने। पूछा कितने मिलनगे? आख्या जंगल च किधरे लकड़ियां कटन वास्ते गए ने, जाओ जंगल च मिलनगे। मुरीद जंगल च गए तो वेख्या हजरत खजर अबुल हसन खिरकानी लकड़ियां लैके आ रहे, पर लकड़ियां लैके किंज आ रहे? लकड़ियां का गठा बना के शेर उत्ते रखिया है ते हाथ में सप्प का कौड़ा पकड़िया है। उमरीदा कदम बोसी दस्त बोसी की अर्ज की लाजपाल इत्थे शेर दे उते सवारी पे कर दे, शेर नू गुलाम बनाया जे, हाथ विच सप्प दा कोड़ा पकड़े ते घर विच बीवी एडी ना फरमाने उनू क्यों नहीं दुरुस्त कर दे? आपने फरमाया ओदियां बद अखलाकियां ते सबर करना, रब ने मैनू जंगल दे शेरां ते भी हुक्मरानी अता की। जिहड़ा औरत दी बद अखलाकी ते सबर कर दे फिर रब उन्हें मर्तबे कैसे अता कर देता है। तो गिरामी कदर हजरा सिर्फ यही नहीं कि अपना गुस्सा पीना है, बल्कि औरत बद अखलाक होवे। नबी पाक ने फरमाया तेनों अगर कोई एक ओदी आदत बुरी लगती है तो हजूर ने फरमाया कोई आदत चंगी भी तो होगी ना? आपने फरमाया बुरी आदत वाल क्यों वेखना, ओदी कितने चंगी आदत वाली वेखना। और हजूर ने फरमाया औरत मर्द की पसली चो पैदा हुई, और पसली टेढ़ी होती है, डींगी होती है, हर पसली टेढ़ी है, औरत भी पसली नू सीधा करोगे टूट जाएगी पर सीधी नहीं होवेगी। औरत भी सीधी नहीं हो सकती, टूट जाएगी, सीधी नहीं हो सकती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेहतरीन मर्द होवे, समझदार मर्द होवे, जेड़ा औरत दे टेढ़ेपन तो फायदा उठा लवे, टेढ़ेपन तो फायदा उठावे। ए मर्द दी अकलमंदी, ए ओदी फिरासत है कि ओ औरत को किवें कम लै लैंदा है। तो लिहाजा ए मर्द दी फिरासत है। नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया एक मैनूं तुहाड़ी दुनिया च खुशबू पसंद है ते दूसरी नेक औरत पसंद है, इंशाल्लाह तीसरी पसंद अगले जुमे शुरू करा फिर उस तो बाद सहाबा दिया पसंदा सुनावांगे। अल्लाह ताला सानू अमल दी तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दुआया अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।